जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होने वाला है आवेदन पत्र। और जी हाँ दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का यह टॉपिक है, तो आप लोग भी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको 6 में से 6 नंबर कैसे लाने हैं आवेदन पत्र के अंतर्गत। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, कौन कौन सी वो मिस्टेक है, एक आपको यहाँ पर पूरा जो है पॉइंट के जो है मतलब समझाऊंगा कि जैसे आपका देखिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि वहां पर आपको मिस्टेक से भी नहीं करने होते हैं। क्योंकि आवेदन पत्र में आपको वहां पर तरीके पता होने चाहिए, तरीकों के नंबर मिलते हैं, ठीक है। वहां पर लिख सभी छात्र लेते हैं, लेकिन वहां पर मतलब तरीके क्या होते हैं उसके आपको सारी चीज जो है पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले आपको 2 ऐसे महत्वपूर्ण आवेदन पत्र भी बताने वाला हूं जिनको आपको मतलब लिख करके आपको इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वह तरीके के क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा। आवेदन पत्र के आरंभ में जैसे कॉमा हो गया, ठीक है, कॉमा एवं संबंधित स्थान जरूर लिखे, ठीक है। मतलब इसका संबंधित स्थान का मतलब ये है, यहां पर लिखना नहीं। देखिए यहां पर जैसे कोई स्थान हो, जैसे हम लोग यहां पर एक आवेदन पत्र लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कॉमा की बात करें तो यहां पर आपका जैसे कि सेवा में हो गया, इसी प्रकार से आपको यहां पर कौन कौन से जैसे आपका महोदय में हो गया, जो भी चीजें होती हैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इनको लगाना है और बाकी इनके ही नंबर मिलते हैं। देखिए नियम बहुत ज्यादा वहां पर देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखिए क्या, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहां पर आवेदन पत्र को जो है आपको वहां पर विषय जरूर लिखना है। जैसे आवेदन पत्र आप लोग लिख रहे हैं जिससे भी संबंधित, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे हमारा क्या है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र है, ठीक है। अब इसमें हमें विषय लिखना काफी अनिवार्य है। अगर आप लोग यहां पर देखिए विषय नहीं लिखते तो आपका 6 नंबर में से 1 नंबर पक्का कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको विषय लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो विषय आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है, ये आपका यूनिक दिखेगा, काफी अच्छा दिखता है। तो इसलिए इसको आपको यहां पर मतलब विषय का मतलब यही होता है कि जैसे आपको कोई भी आवेदन पत्र देख रहा है तो सबसे पहले आपको यही चीज देखी जाती है कि आखिर इसमें बताया क्या गया है, ठीक है, किसके बारे में लिखा गया है। तो ये आपका विषय होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिनांक हो गया, पद का नाम हो गया, माने कि आप किसके बारे में, जैसे हम लोग किसी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए कर रहे हैं या बैंक से हमें लोन लेना है या कुछ भी ऐसी चीजें, तो उसमें आपको यहाँ पर ये चीजें और दिनांक का आपको देखिए वहां पर दिनांक भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ दिनांक आपको जो वहां पर जगह जरूर डालनी है, जैसे हमने यहाँ पर लास्ट में डाला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सारी चीजें, इसके अलावा आवश्यक जानकारी जरूर से लिखें। जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे आवश्यक जानकारी आपको यहाँ पर जैसे किसी बैंक के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बैंक का पता भी डाल देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी बैंक डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर मतलब डिपेंड करता है अगर क्वेश्चन में नहीं आया। अब देखिए इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या है, आपको अंतिम भाग में आज्ञाकारी प्रार्थी आवेदक पर्याप्त जगह देकर डालें। जैसे आप लोग यहां पर कहे जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल कॉलेज या मतलब यहां पर प्रधानाचार्य के बारे में लिख रहे हैं तो आप लोग वहां पर आज्ञाकारी लिखेंगे। अगर आप लोग यहां पर देखिए क्या मतलब कोई बैंक से लोन लेना है तो आप क्या डालेंगे, प्रार्थी डालेंगे, या आप लोग आवेदक डाल सकते हैं। कुछ भी चीज अगर आपको कहीं पर आवेदन करना है उसके लिए आप लोग आवेदक डाल सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से डालना, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में नाम अपना नहीं लिखना, ठीक है, नाम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉपी में आपको कहीं भी नाम लिखने को जगह नहीं मिलेगी और नाम आपको बिल्कुल नहीं लिखना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट यहां पर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है आपको कौन सा तैयार करना, तो सबसे पहला आपका यही है किसी बैंक के प्रबंधक को व्यवसाय करने हेतु आवेदन पत्र, एकदम 6 नंबर आपका क्लियर करा के जाएगा। कैसे लिखना है थोड़ा सा देख लीजिए, लिखना है सेवा में, उसके बाद प्रबंधक महोदय जी, अगर देखिए यहां पर कोई आया क्वेश्चन में आपका बैंक का नाम तब आप लोग इसका बैंक का नाम डालेंगे, अन्यथा आप कोई भी बैंक का नाम डाल सकते हैं, कोई भी पता डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब बैंक से व्यवसाय करने के लिए आप जो है आवेदन पत्र लिखे, लोन लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, या कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, या शिक्षा के लिए आपको लोन लेना है, तो मतलब कई प्रकार से क्वेश्चन आता है। बाकी लिखना आपको यही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा आपको जो है जहां पर देखिए मतलब व्यवसाय करने के लिए मतलब आप ले रहे हैं वहां पर आप लोग शिक्षा के लिए कर देंगे, बाकी वही मतलब चीजें रहती हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, बाकी विषय डाल देंगे, उसके बाद आपका महोदय कॉमा लगा के बाद यहां पर आपका सविनय निवेदन है कि वर्ष 2008 से जो भी चीजें हैं आपको यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इसको आपको यहां पर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना, प्रार्थी डाल देना और नाम नहीं लिखना, बाकी आपको दिनांक में आप डाल सकते हैं अपना जो डेट और बाकी आपको यहां पर धन्यवाद ऐसा करके प्रारूप बना देना, बाकी प्रारूप के ही नंबर आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, या तो कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए या तो शिक्षा के लिए, ठीक है, दो प्रकार या तीन प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आता है।
है बाकी ऋण प्राप्ति के लिए आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही आपको करना, बाकी इसके बाद एक नेक्स्ट आपका आता है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह दो आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, दो में आपका बिल्कुल जो है यहां पर छह नंबर जो आपका आने वाला है बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो दूसरा आपका क्या है, किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के हेतु, ठीक है, मतलब कोई कॉलेज है उसमें आपको जो है अपना जो है मतलब नियुक्ति लेनी है प्रबंधक को, आपको जो है एक आवेदन पत्र, तो यहां पर आप लोग आवेदन करें, इसलिए आप लोग जो है यहां पर आवेदक लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर लिख के रखा हुआ, इसको देखें थोड़ा सा, यहाँ पर हमने लिखा सेवा में, इसके बाद प्रबंधक महोदय जी, और यहाँ पर उस कॉलेज का नाम डाल देना जिस भी कॉलेज में आप नियुक्ति लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हैं क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में परीक्षा दे रहे हैं, आपको नियुक्ति नहीं लेना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी कॉलेज का नाम आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद विषय डालना, विषय काफी इंपॉर्टेंट है ब्लैक पेन से, और प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऐसा करके, और इसके बाद महोदय और यहाँ पर कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा आप जरूर लगाइएगा, और इसके बाद संचालित खबरों के अनुसार ऐसा जो भी मतलब विवरण है आपको डाल देना है, और इसके बाद आपका अपना अनुभव बताना कि आपने मतलब पहले भी कुछ ऐसे संबंधित कार्य किया है, आपने पढ़ाया है कहीं पर, ये सारी चीजें, ये अनुभव हो गया, और इसके बाद दिनांक डालने के बाद यहां पर आवेदक कर देना, आवेदक का नाम मतलब ऐसा करके, और ये आपका प्रारूप बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये दो आवेदन पत्र बिल्कुल तैयार करके जाना है, और ये जो पॉइंट मैं आपको बताया हूं पॉइंट को जरूर से नोट्स कर लेना है, इसके अनुसार ही आपको लिखना है, छह नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।